गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बी ए फर्स्ट ईयर के पेपर पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय को आज हम देखने वाले हैं। कल तक हम लोगों ने अनिवार्य विषय बाल्यावस्था वृद्धि विकास चाइल्ड एंड बोर्न कर्म का पाठ्यक्रम देखा था, उसका सिलेबस हमने लिखा था। आज हम देखने वाले हैं इतिहास विषय का पाठ्यक्रम को हम यहाँ पर देखने समझने वाले हैं कि हिस्ट्री या जो आपका एक इतिहास विषय है उसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है। क्योंकि अब तक जो आप लोग पढ़ते आए हैं इतिहास विषय के अंदर, यानी कि ये उन विद्यार्थियों के लिए, उन स्टूडेंट्स छात्र अध्यापिकाओं के लिए हैं, प्रिपल टीचर्स के लिए हैं, जिनको जिनके पास इतिहास एक टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में दिया गया है या जिनका है, उन्हें उन स्टूडेंट्स के लिए है। आप उन्हें ये समझना है कि इतिहास में आपको पढ़ना क्या है। क्योंकि अब तक जो आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है उसमें आपने इतिहास की विषय वस्तु को पढ़ा है कि हमारे जो इतिहास के तीन काल हैं, जो कालों का विभाजन किया गया, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास आदि के बारे में आपने अध्ययन किया है। कि जिसमें जैसे आपने महाराणा प्रताप के बारे में अध्ययन किया, अशोक के बारे में अध्ययन किया, अकबर के बारे में अध्ययन किया, लेकिन यहाँ पर जो आपको है वो इस कंटेंट, जो ये विषय वस्तु है, इसके बारे में बहुत कम पढ़ना है। आपको यहाँ ये पढ़ना है या ये समझना है इसमें कि आपको पूरे साल एक अध्यापक को इतिहास शिक्षक पढ़ाना कैसे, किस तरह से वह विद्यालय में बच्चों के को जो है इतिहास विषय पढ़ाएगा, इस चीज़ को आपको सीखना है। तो इसी का आपका ये सिलेबस है जिसको हम लिखने वाले हैं। इसकी पहली यूनिट अनुशासन की प्रक्रिया, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको इस यूनिट, जो ये यूनिट है आपके इतिहास विषय के अनुशासन की प्रक्रिया, इसके बारे में अध्ययन करना है। यानी कि इसके अंदर आपको ये समझना है कि इतिहास किसी भी एक विषय के रूप में किस प्रकार से या उसकी प्रकृति कैसी है और किस प्रकार से ये एक बालक के लिए लाभकारी विषय है, तो बालक को पढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि यह एक विषय के रूप में, विषय के अनुशासन, यानी कि एक कहना चाहिए कि एक शास्त्र के रूप में किस तरह से ये विषय उपयोगी है, उसकी प्रकृति क्या है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। तो इसकी जो फर्स्ट आपकी यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है वह है इतिहास, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति। विज्ञान की प्रकृति NCERT 2005 सामाजिक विज्ञान का स्थित पत्र। ठीक है, यानी कि इस फर्स्ट चैप्टर में आपको दो बातें पढ़नी है। पहला तो सामाजिक विज्ञान की प्रकृति, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति इसलिए कहा यहाँ पर आपको समझनी अनिवार्य है क्योंकि इतिहास सामाजिक विज्ञान विषय का एक भाग है।
क्योंकि जो सामाजिक विज्ञान है नागरिक शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान अर्थशास्त्र समाजशास्त्र सभी विषय सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इन सभी विषयों से मिलकर सामाजिक विज्ञान विषय का निर्माण होता है, सामाजिक विज्ञान विषय बनता है। इसीलिए यहाँ पर शुरुआत में सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के बारे में आपको समझना है कि सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति क्या है, वो किस तरह का विषय है और इसकी क्या जो विशेषता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में आता है NCERT 2005 जो हमारी एक नई नीति जो बनी थी या इसको एक नया नई व्यवस्था जो हम कह सकते हैं NCERT 2005 जिसके अंदर की पाठ्यक्रम से संबंधित एक संरचना है ढांचा निर्मित किया गया और उसी के तहत पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। तो इस चीज़ को आपको यहाँ समझना है कि NCERT 2005 का जो विचारधारा थी इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम के निर्माण पर किस तरह से बल दिया और किस तरह से क्या प्रक्रिया थी जिसके माध्यम से इसका एक स्वरूप निर्धारित करने की बात कही, किस प्रक्रिया में किस जो स्टेप्स हैं उनका उनको फॉलो किया गया और उसके आधार पर एक पाठ्यक्रम या एक सिलेबस का जो है वो निर्माण किया गया है, सिलेबस बनाया गया। तो इस चीज़ को ऐसे है 2005 का स्थित पत्र, यानी कि इसमें ये जो एक जो आपका क्या बोलते हैं इसको ये जो नीति बनाई गई थी इसमें क्या प्रावधान रखे गए थे उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। इसके अकॉर्डिंग क्या सिद्धांत किन सिद्धांतों का पालन करना है और उसके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे करना है इसके बारे में यहाँ पर आपको अध्ययन। उसके बाद सेकंड जो इसका पॉइंट है या इस यूनिट का सेकंड चैप्टर है वह है इतिहास की अवधारणा इतिहास की अवधारणा प्रकृति दर्शन क्षेत्र महत्व दर्शन क्षेत्र महत्व तथा एक अनुशासन के रूप में अनुशासन के रूप में इतिहास का ऐतिहासिक विकास कहेंगे उसकी प्रकृति क्या है और इतिहास की
इतिहास का जो एक दर्शन है, क्योंकि किसी भी विषय वस्तु का जो स्वरूप हमारे सामने आता है उसमें एक दार्शनिक चिंतन का होना बहुत अनिवार्य है। तो इतिहास किस तरह से एक स्वरूप निर्मित किया गया, फिर बाद में उसका क्षेत्र कौन कौन से है, किन किन क्षेत्रों के आधार पर हम इतिहास को समझ सकते हैं, फिर इतिहास का महत्व क्या है, क्योंकि इतिहास चूंकि अमूमन ये माना जाता है कि इतिहास केवल पुराने किस्से कहानियों का विषय है, इससे भविष्य की क्या लाभ है इसका पता नहीं है, कि भविष्य में इसका कोई लाभ नहीं। लेकिन यहाँ पर हमें इसके महत्व को समझना है कि इतिहास का बालक के लिए क्या महत्व है इसे समझा जाए, तथा एक अनुशासन के रूप में यानी कि शिक्षा शास्त्र के रूप में इतिहास की ऐतिहासिक विकास, यानी कि यह केवल एक किस्से कहानियों का विषय नहीं है, एक विषय के रूप में एक डिसिप्लिन, क्योंकि एक डिसिप्लिन यानी कि हम किसी अनुशासन की बात करते हैं तो निश्चित है कि उसका एक निश्चित क्रम होता है, उसकी एक निश्चित सिद्धांत या उसकी निश्चित व्यवस्था होती है, तो उसी आधार पर हम इतिहास को कैसे देख सकते हैं, क्योंकि हम यही मानते हैं कि किस्से कहानियों का इतिहास है, लेकिन इतिहास में भी वैज्ञानिक तथ्य छुपे होते हैं, वो कैसे हम इतिहास को वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर प्रमाणित कर सकते हैं, या किसी भी इतिहास को जो तथ्य हमारे सामने है उसको प्रमाणों के आधार पर हम प्रमाणित कर सकते हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, कोई कभी ऐसी कोई सभ्यता हिंदुस्तान में रही होगी जिसका बहुत अधिक विकास विकसित सभ्यता मानी जाती है, तो ये कोई किस्से कहानी नहीं है, क्योंकि इसके प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं विभिन्न स्थानों पर खुदाई से प्राप्त अवशेष, और उन अवशेषों की वैज्ञानिक तकनीक से जब जांच की जाती है, भौगोलिक तकनीक जो प्रक्रिया के माध्यम से जो जांच की जाती है उसके आधार पर हम इस प्रमाणित कर पाते हैं कि अमुक वस्तु कितने वर्ष पुरानी है। जब ये बहुत अधिक पुरानी होती तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये अमुक समय की, यानी कि जो पढ़ते हैं वो सत्य होगा क्योंकि उसके प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है। तो यही चीज कि इसी तरह से क्योंकि इतिहास केवल कल्पनाओं का विषय नहीं है, इस चीज को समझने के लिए एक अनुशासन के रूप में इतिहास की ऐतिहासिक विकास का क्रम है वो कैसे है उसे हमें समझना होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका थर्ड पॉइंट आता है वह है प्रसिद्ध इतिहास का। विपिन चंद्र का इतिहास में क्या योगदान रहा है,
सर देसाई का, पी के बसु मजुमदार और जादूगर सरकार का जो है इतिहास में, इतिहास के स्वरूप को निर्मित करने, इतिहास के प्रचार प्रसार विकास में किस प्रकार से इनका योगदान रहा है, इनकी विभिन्न रचनाएं क्या हैं, उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। यह हमारी फर्स्ट यूनिट है जिसमें कि इतिहास विषय के एक अनुशासनात्मक प्रकृति को हमें समझना है, यानी कि एक विषय की किस प्रकार से इतिहास को एक विषय के रूप में हम महत्व या सम्मान प्रदान होना चाहिए और किस तरह से इसको एक विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, की जानी चाहिए, उसके बारे में हमने यहाँ पर अध्ययन करना है। सेकेंड हमारी यूनिट इतिहास विद्यालय पाठ्यक्रम के एक विषय के रूप में, कि एक विद्यालय पाठ्यक्रम में विषय के रूप में इतिहास को किस प्रकार से सम्मिलित किया गया, उसकी किस तरह से मतलब एक विषय के रूप में किस तरह से उसका हमें उपयोग करना चाहिए या पाठकों के सामने किस तरह से हमको विषय वस्तु प्रस्तुत करनी चाहिए, इसके संबंधित हमें यहाँ जानकारी प्राप्त करनी है, जिसमें है पहली जो चैप्टर है हमारा उच्च माध्यमिक स्तर पर इतिहास का महत्व एवं आवश्यकता है, स्तर पर इतिहास का महत्व एवं ठीक है ना, उच्च माध्यमिक स्तर पर इतिहास का महत्व एवं आवश्यकता, यानी कि उच्च माध्यमिक इतिहास स्तर पर हायर सेकेंडरी उच्च माध्यमिक यानी कि सीनियर सेकेंडरी सेकेंडरी लेवल पर इतिहास का क्या महत्व है बच्चों को पढ़ाने का और इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में हमें पढ़ेंगे। सेकंड है इतिहास का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध, अन्य विषयों के साथ सहसंबंध ठीक है ना, अन्य विषयों के साथ सहसंबंध इतिहास विषय का, यानी कि हम जब भी किसी विषय वस्तु को पढ़ाते हैं, कुछ भी हम टीचिंग के लिए क्लास में जाते हैं, तो हमारा वहाँ पर सबसे अहम जो रोल होता है एक टीचर का, वो दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ में को रिलेटेड करके जब पढ़ाता है, तो मतलब अपने टीचिंग को इफेक्टिव करने के लिए या बच्चों को बात समझ में आ जाए इसके लिए वो प्रयास करता है कि वह हर संभव प्रयास करता, उसमें एक प्रयास ये भी होता है कि वह दूसरे विषयों के साथ को रिलेट करके और सब्जेक्ट या विषय वस्तु को बालकों के सामने प्रस्तुत करता है, यानी कहें क्योंकि एक ये बात मानी जाती है कि ज्ञान जो है वो एक है, यानी कि हमारे चारों तरफ ये एक पूरा कोरा है हमारे चारों तरफ और
विषय है जो भी सीख वो ज्ञान है, यानी कि ज्ञान एक संपूर्ण सब तरफ है, वो एक ही है। अब इसी एक ज्ञान को समझने के लिए हमने उसके अलग अलग भाग कर दिए, अर्थात कि ज्ञान अलग नहीं है, सिर्फ हमने उसे समझने और सीखने के लिए अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया है। जैसे कि हम पुरानी बातों को, पुराने सभ्यता संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने इतिहास कर दिया, हम प्राचीन वर्तमान अर्थव्यवस्था के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने अर्थशास्त्र को, या अर्थव्यवस्था क्या होती है, कैसे होती है, इसमें किस प्रकार की कौन सी क्रियाकलाप होते हैं, इसको समझना है। उस विषय को, उससे संबंधित समस्त जानकारी को हमने एक जगह एकत्रित किया और उसे हमने अर्थशास्त्र कर दिया। पर्वत, नदी, पहाड़, तालाब, चांद, तारे, ये समस्त पृथ्वी की जो अंदर परतें हैं वो, ये सब क्या है, ये एक भौगोलिक संरचना है और इससे संबंधित जितने भी विषय हैं, उनको प्रकरण है, टॉपिक्स हैं, उनको हमने एक साथ इकट्ठा किया और उसे भूगोल बना दिया। लेकिन ये सब उसी प्रकृति, उसी ब्रह्मांड का हिस्सा है, अर्थात कि ये अलग हटकर कुछ नहीं। तो यही इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये बात स्पष्ट की जाती है या बार बार कहा जाता है कि किसी भी विषय को समझने या समझाने के लिए कोरिलेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड। और इसके माध्यम से अगर हम इसका यूज करते हैं, कोरिलेशन मेथड का हम यूज करते हैं या कोरिलेट करके पढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली क्योंकि हमने जिससे कोरिलेट किया है वो चीज़ बच्चा, क्योंकि हम उसी से कोरिलेट करेंगे जिसके बारे में बच्चा पहले से जानता है। अब जिस चीज़ को पहले से जानता है उसके आधार पर हम कोई नई चीज़ को समझाना चाहते हैं तो बालक उसे बहुत जल्दी समझ लेता है। इसी उद्देश्य से, इसी विचारधारा से हम कोरिलेशन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये समझनी होगी कि कोरिलेशन है क्या, सहसंबंध कैसे कहते हैं, सहसंबंध किस प्रकार से स्थापित किया जाता है, इसके कितने प्रकार हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है, और विभिन्न विषयों के साथ, जैसे कि इतिहास है आपका विषय। अब यहां पर विभिन्न विषय जैसे कि समाजशास्त्र है ना, भूगोल है ना, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, गणित, कला, संगीत, सभी से कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यवस्था ऐसी है, तथ्य ऐसा है, विषय वस्तु टॉपिक ऐसा है जिसको समझाने के लिए हमें किसी अन्य विषय की आवश्यकता होती है, हमसे कोरिलेट करके पढ़ाते हैं। तो ये कोरिलेशन क्या है और विभिन्न विषयों के साथ किस प्रकार से इसको कोरिलेट करके पढ़ाया जाना चाहिए, पढ़ाया जाता है, इस चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। फिर थर्ड है इतिहास के क्षेत्र। मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ, किस क्रम में हुआ, इसे हमें यहाँ समझना है। हालांकि आप कहेंगे कि मैडम ये तो हिस्ट्री का ही टॉपिक है, कंटेन का टॉपिक है, तो डेफिनेटली कंटेन का टॉपिक है, लेकिन हम इसको एक टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से व्यवस्थित करना होता है, हमें उसे एक क्रम में व्यवस्थित करना होता है, इस चीज़ को हमें यहाँ पर समझना होगा। नेक्स्ट इसमें है आपका समाज, शहर, शहरी केंद्र, समाज,
शहर समाज शहर शहरी केंद्र के विकास का इतिहास ठीक है ना। यानी कि हमें इतिहास के क्षेत्र में हमें मानव सभ्यता का विकास की व्यवस्था पढ़नी है, उसके अंतर्गत समाज की व्यवस्था कैसी थी और किस तरह से क्रमबद्ध विकसित होकर आए, शहरों की व्यवस्था कैसी थी और कैसे विकसित हुए, और शहरी केंद्र के विकास का जो इतिहास है उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। फिर बाद में आता है इसमें दो यहाँ पर यही काफी कार्य है जो इतिहास विद्यालय पाठ्यक्रम में इतिहास का रूप किस तरह से, यानी कि प्राचीन काल से मानव सभ्यता से प्रारंभ होती है। फिर यहाँ पर आपका आता है पुनर्जागरण काल, और फिर है पांचवा औद्योगिक क्रांति। ठीक है ना, इनके बारे में हमको इस यूनिट के अंदर पढ़ना है, यानी कि इतिहास विद्यालय पाठ्यक्रम के एक विषय के रूप में विद्यालय पाठ्यक्रम में किस प्रकार से इतिहास की विषय वस्तु को प्रस्तुत किया गया है इस चीज को हमें समझना होगा। क्योंकि अब तक जो आपने पढ़ा है वो आप एज ए स्टूडेंट पढ़ते आए हो, तो सिर्फ आपको कुछ बच्चों का ही टारगेट होता है कि हमें वो चीज सीखनी समझनी, बाकी अधिकांश बच्चों का उद्देश्य होता है कि अंतिम परीक्षा मार्क्स लेके आने हैं, उसी उद्देश्य से पढ़ते हैं। तो एक विषय वस्तु किस रूप में एडजस्ट की जाती है, रखी जाती है, उसका किस तरह से उसको वहाँ पर जो कहना चाहिए कि सेटल किया जाता है, उस चीज़ को समझना होगा हमें। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर माध्यमिक स्तर पर किस तरह से इतिहास की इम्पोर्टेंसी क्या है, क्यों इसका नीड है, फिर अन्य और दूसरे जो विषय हैं हिस्ट्री के साथ में अन्य जो अन्य सब्जेक्ट हैं दूसरे अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ किस तरह से कोरिलेशन मेंटेन किया जाएगा, फिर इतिहास के जो क्षेत्र हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनको भी विद्यालय विषय में सम्मिलित किया गया है, तो मानव सभ्यता का विकास और शहरी समाज और शहर और शहरी केंद्र के विकास किस तरह से क्रम किया था उसको समझना है, फिर पुनर्जागरण काल में किस प्रकार से परिवर्तन आया और क्या था उस काल को उसको समझना है कि उसको किस तरह से विद्यालय विषय में सम्मिलित किया गया है, और औद्योगिक क्रांति का किस तरह से स्वरूप रहा और उसका किस प्रकार से शिक्षा में किस तरह से योगदान है, या किस तरह से औद्योगिक क्रांति के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में शिक्षा की भागीदारी है इसे समझना है। क्योंकि हम अधिकांश रूप से होता क्या है कि हम केवल औद्योगिक क्रांति में क्या क्या घटनाएं घटित हुई इतिहास में केवल उसके बारे में पता है, यहाँ पर उस चीज को समझना है कि जो चीज इतिहास में बताई जा रही है उससे बालक को क्या सीखना होता है, बालक क्या सीख सकता है, उस चीज को समझना है और उसी को यहाँ पर आपको प्रदर्शित किया उसको लिखा गया समझना है कि जो विषय वस्तु दी जाती है पाठ्यक्रम में उससे बालक को क्या सीखना होगा, उसके जीवन में वो कहाँ लाभदायक है, उसको किस तरह से एक टीचर को प्रेजेंट करना है, वो चीज यहाँ पर समझनी होगी। यहाँ आज हमने दो यूनिट के बारे में अध्ययन किया है, मैं आशा करती हूँ कि तो बात मेरी दोनों यूनिट आप लोगों को समझ में आई होगी। कल हम आगे की नेक्स्ट दो यूनिट्स के बारे में समझेंगे, क्योंकि वही है कि हम पांच यूनिट है लेकिन वर्तमान की विकट परिस्थितियों को देखते हुए सेशन की जो है स्टार्टिंग को देखते हुए कुछ यूनिट को छोड़ दिया गया है या बट इस साल के लिए ड्रॉप किया गया है। तो उसके आधार पर आपका जो आज का हमारा होमवर्क होगा इतिहास विषय के पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम की
दो इकाइयों को अपनी उत्तर पुस्तिका नोटबुक में लिखिए। ठीक है, हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसकी जो फर्स्ट टू यूनिट्स है उनको अपनी नोटबुक या अपनी रजिस्टर में आपको नोट करना है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले COVID-19 की महामारी के बारे में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से निकलते हैं तो COVID-19 की जो भी गाइडलाइन है उसका पालन कीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।